भाई पूरा बादल है, देखो धुंध कैसा हो गया, शानदार। देखो ऐसा लगा जैसा फॉग नहीं होता ठंडी में, वैसा हो गया पूरा वेदर। देखो ये जैसे गाड़ी खड़ी है ना तब पार्किंग लाइट जलाने का सेंस है, चलती गाड़ी में जो लोग पार्किंग से जलाते हैं ना दोनों साइड वाली, ये कंफ्यूज करती है इंसान को कि जाना कहाँ है, आगे पीछे वाला कंफ्यूज होगा। आगे बारिश हो रही है, आगे फिर मौसम तो अभी हम लोग नालामाला फॉरेस्ट से नीचे आ गए हैं, तो एक बार तुम्हें बारिश मिल चुकी है, लेकिन जैसा मौसम आप देखो सामने दिख रहा है, मैं श्योर हूँ कि हमें एक बार फिर से बारिश मिलेगी, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें काफ़ी लंबी बारिश मिलने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा डेस्टिनेशन है वो काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, और अगर अब बारिश स्टार्ट होगी तो हमें रात अंधेरे में जब बारिश मिलेगी तो फिर ड्राइविंग अपने आप स्लो हो जाएगी। बहुत तगड़ा मौसम है, बहुत भयानक है इसका, जिधर हम जा रहे उधर ही बना भी है। जैसा अपन सोच रहे थे वैसी बारिश मिल चुकी है, आप देखो क्या जबरदस्त बारिश हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट अब आपकी गाड़ी में है ऑटोमेटिक, लाइट जला दीजिए। मैं पुराने लोग मानते हैं दोनों चल रही है, मतलब मैं सीधा जाऊंगा, एक बुध गई तो भैया को इंडिकेटर हो गया। देख बारिश मम्मी, विजिबिलिटी जीरो, एकदम विजिबिलिटी जीरो हो गई। तो सांझ का समय 6:30 बस बारिश है इसी की एकदम विजिबिलिटी जीरो हो गई। ये जिस तरह की बारिश हो रही है अब लगता नहीं है कि जल्दी रुकने वाली है, और अगर यही बारिश रही तो हमारा आप मान लो 2 घंटे तो और एक्स्ट्रा आप ऐड कर दो, क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके से चल रहे हैं हम लोग। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल 2 ही लेन आप जैसा देख सकते हो, तो ओवरटेक करना भी थोड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि विजिबिलिटी भी कम है और सामने से अब लाइट्स भी आने लगी। वाइपर देखो फुल स्पीड पे है भाई साहब, फुल स्पीड पे, लेकिन फिर भी कुछ भी पानी नहीं हटा पा रहा है ये। तो जिस तरीके का इन्होंने मौसम बनाया ना, लग रहा है कि पता नहीं कितने घंटों तक ये बारिश चलेगी, और ये रफ्तार जो है ना बारिश की, ये कुछ खासी रफ्तार है यार, मतलब उतना आपको मैं वीडियो में नहीं समझ में आएगा जितना हम बैठे हुए हमें समझ में आ रहा है, और मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना बारिश की पूरी गाड़ी के अंदर कि वो आप उतना वीडियो में मे भी शायद आप फील ना कर पाओ। सो अभी हम लोग यहाँ रुक रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, सो अभी यहाँ पे हरिता रिजॉर्ट है, सो जिन लोगों को नहीं पता आंध्रा का ये गवर्नमेंट है, सो आपको हर जगह ये हरिता रिजॉर्ट मिलेगा जो भी अच्छी लोकेशंस हैं। तो चलिए हरिता रिजॉर्ट पे कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं यहाँ से, और फिर अब यहाँ से डायरेक्ट निकला जाएगा हैदराबाद के लिए। तो देखिए ये कुछ है हमारा सामने हरिता रिजॉर्ट, और देखते हैं अभी इस टाइम क्या मिलता है, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग भी ऑड है हम लोगों की। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं और देखते हैं। नहीं नहीं पापा, ये एपी का वो है गवर्नमेंट होटल है। अच्छा। हरिता आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन हर जगहों पे मिलेगा जहाँ पे घूमने टहलने का स्थान है। अच्छा। हाँ, हर जगह इनका जहाँ हम गए थे ना वहाँ बीच, बहुत बीच में, एकदम बीच पे ही है रिसोर्ट। हाँ, इनका और सस्ते में, लेकिन सो दोस्तों हम लोग यहाँ रुके हुए थे हरिता रेस्टोरेंट, और अभी शाम के लगभग 7:30 हो रहे हैं, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। चलिए फटाफट निकलते हैं कार में। सो अभी हम लोग आ चुके हैं आउटर रिंग रोड पे, लेकिन पानी भाई साहब अभी भी बारिश हो रही है,
और अच्छी खासी रफ्तार में बारिश हो रही है। बस आप हमें यहाँ पे लाइटिंग रहेगा तो चलने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब यहाँ से ज़्यादा कुछ मान लीजिए 1 घंटे का डिस्टेंस है, 1 घंटे, 1.5 आवर इतना ही होगा। देख लेना डायरेक्ट पहले ना, हमारे तो कोई क्या ले विजेता भी बोला। हां 10 बजे तक खुला था भाई, 9:30 ही आई है, वहीं तो घुमा लेंगे फटाफट करके ना। आप देखा ना चला कर तुम घुसे बाहर नहीं देखा है नहीं था बारे में 4 दुनी 8 राउंड मारी, मिस कर रहे थे पापा। अरे मिस का करत रहे वो से ढेर तो चढ़ैया चढ़ी जात गए बांधे के हम कुछ। सो गाइस अभी हम लोग तुरंत आए हैं, मतलब बस 10 बजने वाले, रात को बहुत थक गए हम लोग, बहुत बारिश थी यार तो स्पीड बहुत टूट गई थी। चलिए ऊपर चलते हैं और आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।